तो स्वागत है सभी का कंप्यूटर की एक और न्यू वीडियो में जो कि सीपीसीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर वन है गणितीय या औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों का एक निर्धारित सेट खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे जो है गणितीय या औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने के लिए परिभाषित निर्देशों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, एल्गोरिदम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम एंड एंड पेज अप आदि कंप्यूटर कीबोर्ड कुंजियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। होम की, एंड की, एंड पेज अप की, ये कुंजियां किस से संबंधित है, किस श्रेणी से संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल एनालॉग प्रोसेस दोनों की विशेषता होती है। डिजिटल और एनालॉग, ठीक है, डिजिटल और एनालॉग पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDIC प्रत्येक संख्या और वर्णों के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है। यहाँ पे कोई भी शब्द हो, ये तो एक फॉर एग्जाम्पल शब्द है, कोई भी शब्द के लिए प्रत्येक मतलब संख्या या शब्द के लिए वर्ण के लिए जो कितने बिट्स का उपयोग करता है, ठीक है, कितने बिट्स का उपयोग होता है, एक शब्द कितने बिट्स का होता है। तो राइट आंसर इज एट, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का वह हिस्सा जिसे आप छू सकते हैं और सिस्टम जो सिस्टम के भौतिक घटकों को संदर्भित करता है खाली स्थान कहलाता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जिसे आप छू सकते हो, तो जिसे छू सकते हो वो हुआ अपना हार्डवेयर, ठीक है। तो राइट आंसर इज हार्डवेयर ऑप्शन नंबर टू, और सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में बोले तो यूट्यूब, MS Word, Excel, etc. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS Word में सेव एज का विकल्प खुलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जो सेव एज के लिए यूज होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, F12 या फंक्शन 12 जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के संदर्भ में GIGO का पूर्ण रूप क्या है, GIGO का पूर्ण रूप। तो इसका राइट आंसर जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खालिस्तान का उपयोग मोबाइल डिवाइस को अनलॉक करने हेतु और धन तथा फाइल स्थानांतरण जैसे कार्यों को अधिकृत करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये बोल रहा है मोबाइल डिवाइस को अनलॉक करने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर इज फिंगरप्रिंट सेंसर, थर्ड नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, wordpress.com एक सेवा सर्विस है जो जो खालिस्तान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको अपना ब्लॉग बिना किसी लागत के सेटअप करने देती है। जो wordpress.com है ये जो है अपना जो है ब्लॉग बनाने की जो है सेटअप करने की अनुमति देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel फंक्शन दिया गया है जो सेल रेंज के सभी नंबरों को जोड़ता है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन जोड़ता है, ठीक है, या योग करता है। तो राइट आंसर इज सम, है ना, ठीक। और आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद देन जो है फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक माइक्रोसॉफ्ट चिप है जो डिजिटल इमेज डाटा को कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए आवश्यक एनालॉग डेटा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, रैम डेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव एक्स कंट्रोल फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है, ठीक है,
एक्टिव एक्स कंट्रोल फाइल को सहेजने के लिए मतलब सेव करने के लिए कौन से फॉर्मेट का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन इसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट ओ सी एक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कॉलम को फ्रीज करने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीज पेन का विकल्प का जो चुनना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है, ये बोल रहा है पहला पहला कॉलम को फ्रीज करना है, ठीक है, पहला कॉलम। तो भाई कॉलम फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। आपको देखना है फ्रीज बोले तो भाई जिससे बहुत सारा अपने पास सेल पे डाटा है, ठीक है, आपको जो है बहुत बड़ी सीट में आप काम कर रहे हो, तो आपको जो है सामने का देखना है डेटा की या किसका नाम है या किसकी डिटेल्स है, तो उस कॉलम को फ्रीज कर देंगे। वो कॉलम वहां पे है वहां से हिलेगा नहीं, ठीक है, मतलब फ्रीज कर देंगे, उसको रोक देंगे, ठीक है, ये होता है फ्रीजिंग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड की गणना खालिस्तान में की जाती है, ठीक है, लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब लेजर प्रिंटर जो है उसकी जो है स्पीड किससे मापी जाती है, किससे गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर है पेज पर मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन भी, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य इंकजेट प्रिंटर में पेपर में स्याही को कैसे स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, जो है सामान्य इंकजेट प्रिंटर में स्याही को कैसे स्थानांतरित किया जाता है, स्याही को कैसे पेपर में लगाया जाता है? तो जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, स्याही कागज पर फैलती है और नोजल द्वारा प्रबंधित की जाती है, नोजल द्वारा जो है लग जाती है, की जाती है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी किसका उपयोग करती है, ठीक है, डीवीडी किसका उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक दोनों के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए और प्लेबैक दोनों के लिए लेजर का उपयोग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्दों से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे कुछ प्रिंटर्स हैं जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम याद रखना है क्योंकि तो पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा प्रिंटर है, ठीक है, आपको नाम दे दिया जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और बताइए भाई ये इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इनके नाम याद रहना चाहिए। जैसे एम्पैक प्रिंटर, कुछ एम्पैक प्रिंटर है अपने, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी बिल प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अब देख लेते हैं नॉन एम्पैक प्रिंटर्स में, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आप मोस्टली इसको याद रख ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बैच थ्रेड नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बैच थ्रेडिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम में प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। तो इसका राइट आंसर इज वोलेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो में दो विभिन्न फाइलों का एक जैसा नाम या एक्सटेंशन हो सकता है यदि यदि वे अलग फोल्डर में हो, ठीक है, आप एक ही नाम, एक ही तरह के नाम, एक ही फाइल के, एक ही जैसे फाइल के नाम दो नाम रख सकते हैं, मगर शर्त ये है कि वो जो फाइल है वो अलग अलग फोल्डर पे होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, वे अलग अलग फोल्डर में जो है होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में पोस्ट का पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, ठीक है, तो फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद रखना है अल्ट प्लस एफ से ओपन द फाइल पेज इन एक्सेल, ठीक है, एक्सेल में आप फाइल पेज को ओपन करें, अल्ट एफ से और अल्ट एच से ओपन द होम टैब इन एक्सेल, ठीक है, आप अल्ट प्लस एच से होम टैब ओपन कर सकते हैं एक्सेल पे। नेक्स्ट देखते हैं, ए ए टी एन टी एक यूएस आधारित कंपनी
है, ठीक है। यूएस लार्ज कंपनी है, एटीएनटी बेल ये यूएस की कंपनी है, ठीक है। और ये किस प्रकार की कंपनी है, तो ये भाई टेलीकॉम कंपनी है, दूर संचार कंपनी है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जब आप अपना प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में बनाते हैं, तो यह दरअसल आपके लिए अपनी स्लाइडों के क्रम को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करना आसान बनाता है, ठीक है। तो कौन सा बताता है भाई, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू देखो इस टाइप से, यहाँ स्लाइड सॉर्टर व्यू यहाँ पे देगा आपको कि व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी थंबनेल के रूप में आ जाती है, ठीक है। ये देखो स्लाइड स्लाइड 1 2 3, ठीक है। ये सब मैंने नमूना के लिए लगाया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के भीतर मार्जिन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।